ऑल राइट, तो चलो पार्ट वन में हम यहाँ तक पहुँचे थे, अब चलो यहाँ से पार्ट टू की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर तुमने इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल पर भी जाके देख सकते हो। बाकी पार्ट वन देखो और फिर यहाँ पे आ जाओ, ये वीडियो कंप्लीट कर लो भाई, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छी डिटेल मिलने वाली है तुम्हें जवान मूवी से रिलेटेड। चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम कहानी में कहाँ तक पहुँचे थे, नेक्स्ट सीन में सूजी आज़ाद से पूछती है कि आपके बाल असली, ये तीन चीज़ों का सिग्नल देता है हम लोग। मूवी के स्टार्टिंग में ही आज़ाद एक बूढ़े का रोल प्ले करके आ रहा था, जो कि भाई उसके बाल यहाँ पर थे ही नहीं। तो और सेकंड चीज़ देखो, शाहरुख खान भाई काफ़ी ज़्यादा एजेड हो चुके हैं और उनके हर एक सीन पे जहाँ पे भी उनका फेस दिखता है उस पर भाई थोड़ा CGI मारा ही जाता है। और थर्ड चीज़ यार देखो, शाहरुख खान ने जब अपनी फर्स्ट मूवी साइन की थी तो भाई उससे डायरेक्टर ने कहा था उनसे कि अपने थोड़े से बाल कटवा के आना। तो शाहरुख खान ने उनको जवाब दिया था कि अगर मैंने बाल कटवा लिया और आपने मुझे मूवी से निकाल दिया तो मेरे तो बाल भी गए और मूवी भी गई। और चीज़ शाहरुख खान ने देखो इंटरव्यू में खुद बताई थी। और तो और शाहरुख खान आर्मी ऑफिसर भी बनना चाहते थे, जहाँ पर उन्होंने एडमिशन भी लिया, मगर वहाँ पर उनसे कहा गया कि बाल कटवा के आना। तो शाहरुख खान ने बोल दिया भाई साफ साफ कि भाई बाल तो नहीं कटवाऊंगा, देखो बेशक एडमिशन मत दो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना ये थी कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं। मैंने एक्चुअली वो भी ले लिया था, एडमिशन भी लिया था आर्मी स्कूल में, लेकिन फिर लोगों ने बाल काटने पड़े। कुछ भी कर लो, जान ले लो, बाल नहीं काटूंगा यार। Let me just tell you, wax is wax. Real is real. It is very different. But you know, बाल एक तो बहुत गंदे होते हैं। And I think hair very personal. Very, very personal. मेरे बालों में मेरी strength है। ना मैं shampoo use करता हूँ, ना मैं। चलो फिर बाल कथा में इतना ही था, बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मूवी में आगे हम देख पाते हैं कि भाई हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी पड़ रही है और मरीजों की भाई बहुत ज़्यादा बुरी हालत है और बहुत सारे बच्चे मारे जाते हैं, जो कि भाई बहुत अच्छा रेफरेंस है सीधा लॉकडाउन के टाइम का, जब भाई हॉस्पिटलों में ये हालात पड़े थे। और तो और देखो, हमें डॉक्टर एरम वाला केस जो है वो एक रियल लाइफ केस से भी इंस्पायर्ड है, जो कि हुआ था 2017 में डॉक्टर काफिल के साथ। उन्होंने भी एक ऐसा ही केस झेला था जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई कम बताई थी और कई पेशेंट्स मारे गए थे, कई बच्चे उसमें मरे थे। और 2017 में उस टाइम में मेडिकल नेग्लिजेंस और फिर करप्शन के लिए डॉक्टर काफिल को ही जेल में डाल दिया गया। 2017 का एक केस है जिसके बाद उनको 9 महीने जेल में रहना पड़ा, उनको टॉर्चर भी किया गया, मारा पीटा गया। और फिर 2018 में उनको बेल मिली क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। और एक रियल केस है, चाहो तो तुम इसके बारे में सर्च करके पढ़ सकते हो। लॉकडाउन और फिर उस वायरस के तो हम सभी गवा रहे हैं यार। इसी के आगे हमें देखने को मिलता है आज़ाद का एक और नया लुक, जिसमें वो हाफ फेस पर मास्क पहना होता है, जो कि हमें थोड़ा थोड़ा ये भी रिप्रेजेंट करता है कि बुराई को मिटाने के लिए थोड़ा सा बुरा बनना पड़ता है, इसलिए उसने अपने थोड़े आधे ही फेस पर मास्क पहना है। और देखो, ये रेफरेंस भी था हमारी अपरिचित मूवी का, जिसको कि तमिल में नाम है अन्नियन। अपरिचित मूवी में भी भाई हमें एक विजिलेंट हीरो देखने को मिलता है, जो कि भाई सिस्टम को ठीक करना चाहता था। उसमें जब पब्लिक के सामने हमारे विक्रम सर आते हैं तो भाई वो भी अपने फेस पर हाफ मास्क लगा कर आते हैं, सेम जैसे जवान मूवी में हमारे SRK सर ने लगाया। और दोनों ही मूवी का प्लॉट थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। और ये चीज़ देखो इसलिए भी है क्योंकि हमारे डायरेक्टर एटली सर शंकर सर के ही असिस्टेंट डायरेक्टर थे उस टाइम में, और इन्होंने रोबोट और अपरिचित मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था हमारे शंकर सर के साथ ही। விஷுவலாவே உங்களுக்கு சொல்றேன், 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்திரன் ஷூட்டிங்காக பேண்ட் ஸ்டாண்ட்னு ஒரு ரோடு இருக்கு, அப்போ நானும் சங்கர் சார் அசிஸ்டன்ட், சங்கர் சார் அசிஸ்டன்ட் ஆடம் தாசன் ஒருத்தர். तो हाँ भाई, इन दोनों मूवीज़ के असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे एटली सर थे, जिन्होंने आज जवान बनाई है। और एटली सर पर हमारे शंकर सर का परछावा देखने को मिलता है, क्योंकि भाई ये भी सोशल कमेंट्री मूवी ज़्यादातर बनाते हैं, मतलब सभी नहीं मतलब, बट उनकी इस मूवीज़ में कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेज तो मैं ज़रूर देखने को मिलेगा, बिल्कुल हमारे शंकर सर की मूवीज़ की तरह। अब देखो, ये कोई फैक्ट नहीं है, बट यार इस मूवी में तुम जब नर्मदा और आज़ाद के टॉर्चर वाला सीन देखोगे, मतलब इंडियन सिनेमा के अंदर मैंने पहली बार किसी फीमेल कैरेक्टर को इतना बुरी तरह से टॉर्चर होते हुए देखा भाई, घूंसे पड़ रहे हैं, लात पड़ रही है। इसी के बाद हमें देखने को मिलते हैं हम सबका फेवरेट कैरेक्टर यानी विक्रम राठौर की एंट्री। यहाँ पर देखो, हमें बहुत सारे रेफरेंस देखने को मिलते हैं हमारे राउडी राठौर मूवी के, बट देखो मेरे को राउडी राठौर पर्सनली पसंद नहीं थी भाई। मैंने 2008 के अंदर ही 5वीं क्लास में विक्रम कुडू मूवी TV पर देख ली थी, जो कि भाई हिंदी डब में फिल्मी चैनल पर आई थी, और उस टाइम में उस मूवी का नाम था प्रतिघात। और भाई उस मूवी का जो स्वैग लेवल है ना भाई, वो अक्षय कुमार नहीं टच कर पाए भाई मेरी नज़र से अगर देखो तो। और शायद ये चीज़ इसलिए भी है क्योंकि भाई मैंने पहले ओरिजिनल देख ली थी। और भाई तुम्हें देखा वो फनी फैक्ट बताऊँ तो, विक्रम कुडू यानी ओरिजिनल राउडी राठौर मूवी जो है वो हमारे राजामौली सर ने बनाई है। वापस आते हैं देखो जवान मूवी पे यार, हमारे डैडी SRK जब आते हैं तो भाई उनके हाथ में एक रॉड रहती है जिसपे एक रिंग बर्नर लगा होता है, जो कि बिल्कुल सेम है भाई विक्रम कुडू और राउडी राठौर मूवी में दिखाया गया कैरेक्टर के हाथ में जैसा, बिल्कुल सेम एक रॉड और रिंग बर्नर वाला एक वेपन होता है। और दोनों ही स्टोरीज में अगर तुम नोटिस करोगे तो भाई ये वर्जन भाई अपने जुड़वा वर्जन को बचाने के लिए जा रहा है। और एज एन जुड़वा वाली मूवी भाई ये काफ़ी अच्छा रेफरेंस था दोनों मूवी को कनेक्ट करने का या फिर रेफरेंस दिखाने का। और इन दोनों ही कैरेक्टर्स का नाम देखो विक्रम राठौर था। यहीं पर भाई डैडी SRK नाम बताते हैं अपना, जो कि कुछ कुछ सिमिलर है राउडी राठौर या फिर विक्रम कुडू मूवी से। राठौर, विक्रम सिंह राठौर। बस यहाँ हमारे SRK एंड में कहते हैं, नाम तो सुना होगा, जो कि डायरेक्टर फ्रेंड्स है दिल तो पागल है मूवी का। I'm राहुल, नाम तो सुना होगा।
नेक्स्ट सीन में हमें भाई काली दिखता है अपनी बिजनेस डील्स करते हुए, जो कि भाई बेस्ट इंडस्ट्री बताता है इंडिया में या फिर शायद भारत। तो वो भाई अपनी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए एनवायरनमेंट की बिना चिंता किए इंडिया को एक बेस्ट जगह बताता है, जो कि भाई हमारे मेटा रेफरेंस है इस चीज़ का कि भाई हमारे इंडिया में भी आज भी भाई जब कोई कंपनी या फिर कुछ भी एस्टैब्लिश होता है तो भाई वो नेचर या एनवायरनमेंट की बिल्कुल चिंता नहीं करते। और इन सभी देखो कंपनीज के पोल्यूशन फैलाने की हद तुम इस लेवल पे समझ सकते हो कि भाई नोएडा में एक हिंडन नदी है भाई, वो टॉक्सिक पानी हो चुका है उस नदी का। मैंने खुद देखा भाई, काला पानी नजर आता है। हमारे दिल्ली में यमुना नदी है भाई, उसका भी भाई पानी बिल्कुल काला, बिल्कुल साइड में एक नाला चल उसमें और भाई नाले में मुझे कोई फर्क नहीं दिखता। हरियाणा की भाई एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आई है, उसमें भाई तुम ये आर्टिकल देख सकते हो जिनमें उन्होंने साफ सीधा इसके लिए ब्लेम सिर्फ इन बड़ी फैक्ट्रीज और कंपनीज को कहा है। 2021 में कर्नाटक ने भी भाई देखो ऐसी रिपोर्ट निकाली थी जिसमें वहां पे भी यही ब्लेम डाला गया था। तो जवान मूवी में हमें इन चीजों की बहुत अच्छी डिटेल दी गई है, पॉलिटिकल कमेंट्री दी गई है, जो कि भाई काफी ज्यादा जरूरी थी शायद आज के टाइम, क्योंकि भाई इससे बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला मॉन्यूमेंट भाई उसको हार्म हो रहा था, वो भाई पीला पड़ रहा है। तो भाई उसके लिए आसपास जितनी फैक्ट्री थी सब कुछ भाई बंद करा दिया है। चलो फिर इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं। काली हमें देखो ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स का मिक्सअप लगता है, जो भाई थोड़ा थोड़ा विजय माल्या से भी मिलता है और भाई थोड़ा थोड़ा नीरव मोदी से भी मिलता है। बाकी देखो तुम खुद समझदार हो और तुम लोगों के लिए इशारा काफ़ी है, तो खुद रिसर्च कर लो किस किस से मैच होता है। अब यहाँ पे हमें देखो बैटमैन का भाई एक और रेफरेंस देखने को मिलता है, जो कि भाई हमें कैरेक्टर ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता दिखता है बैटमैन के विलन बेन से। नेक्स्ट सीन में नर्मदा भाई अपना सरवर फोड़ के जेल में जाती है, जहाँ पे कि भाई आज़ाद के बारे में लड़कियाँ बताती हैं कि आज़ाद ने हमेशा यहाँ पर हर लड़की को अपनी माँ की तरह समझा है, जो कि भाई एक डायरेक्ट रेफरेंस है SRK की रियल लाइफ का, क्योंकि भाई वो बंदा भाई बचपन से ही थोड़ा लड़कियों में ज्यादा रहा है या फिर अपनी मम्मी और सिस्टर के साथ ही पला बड़ा है। तो भाई उस बंदे को फीमेल्स में रहने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और उसे बहुत अच्छे से पता है हाउ टू इम्प्रेस अ फीमेल। गंदे सेंस में नहीं बोल रहा यार, मतलब एक अच्छे सेंस में कि भाई एक लड़की को कैसे खुश रखा जाता है। एंड देखो सच बताऊँ तो यार देखो शाहरुख खान इज़ अ रियल जेंटलमैन, के भाई एक जेंटलमैन कैसा होता है रियल, भाई तुम वो शाहरुख खान पे भाई तुम पूरी की पूरी थ्योरी लिख सकते हो। और ये देखो कोई मजाक नहीं है भाई, देखो तुम जितने भी को एक्टर्स रहे हैं शाहरुख खान की या फिर जितने लोगों ने शाहरुख खान के साथ काम किया है भाई, वो लोग खुद आके बंदे की तारीफ करते हैं। तुम्हारे को तो वो जो बात है ना उनके बारे में इंडस्ट्री में, वो इंसान आपको इतना इंपॉर्टेंट फील करा देगा आपकी पहली मीटिंग हो जाए उनके साथ, आपको लगेगा बस आप ही आप हो, वो एक्चुअली में ट्रू है। तो ये मेरी पहली उनके पहले दिन मतलब पहली बार उनके घर गई तो ऐसे हुआ था। मैं देख नहीं सकती तो भी अच्छा लगा, मैं छूकर शाहरुख से निमूला छूकर वो भी अच्छा लगा। शाहरुख खान मतलब अलग से अगर छोटा सा मैं रोमांस प्यार या ओ माय गॉड कितनी कुछ बहुत अच्छा लगा। शाहरुख सर के साथ हुआ एपिसोड, शाहरुख सर चले गए, महबूब स्टूडियो में शूट कर रहे थे, शाहरुख सर चले गए और वो जब गए, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, तुम कभी लाइफ में मिलो और मुझे पता तुम लोग मिलोगे पक्का 100%। तुम जब उनसे मिलोगे और जब वो आएंगे, वो पता है क्या लेके आते हैं, वो एक वेव लेके आते हैं ऑफ एनर्जी दैट यू फील हाँ मैं शायद हूँ कुछ, वो आ रहा है उनका। और जब वो जाएंगे वो एनर्जी आपके पास छोड़ के जाते हैं। वो गए, वो निकले, मैं और रोहित बैठे हैं ऐसे। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, शाहरुख खान वेरी कैरिस्मेटिक सुपर शार्प, ही इज समवन हु विल अचीव हिज द पर्सन आई रियली लाइक टू वर्क विद एंड व्हेनेवर आई मीट हिम देयर इज अ काइंड ऑफ अ कॉमरेडरी, देयर इज अ काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप व्हिच इज शाहरुख। यस इट्स शाहरुख। शाहरुख खान इज My inspiration. बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मूवी में आगे हमें देखने को मिलता है कि भाई SRK एक स्पेशल फोर्स के लीडर हैं। तो भाई तुम्हें बता दूं देखो में इंडिया के पास एक रियल स्पेशल फोर्स थी, जो कि भाई काउंटर टेररिज्म और एंटी टेररिज्म और हॉस्टेज रेस्क्यू के लिए काम आती थी। और उस फोर्स पर भाई हम एक पहले ही मूवी देख चुके हैं जिसका नाम था विक्रम, जो कि आई थी 1986 में ही, जिसमें लीड रोल प्ले किया था हमारे कमल हसन सर ने। हालांकि उस मूवी का इस टीम से कोई लेना देना नहीं था, बट आगे जाकर जब भाई 2022 में लोकेश कनगराज ने विक्रम मूवी बनाई तो भाई उन्होंने उस मूवी को पुरानी वाली विक्रम मूवी से कनेक्ट किया जो कि 1986 में बनी थी। उन्होंने डायरेक्टली विक्रम को उसी टीम का मेंबर दिखाया और लीडर दिखाया था कि भाई उसी स्पेशल फोर्स के लीडर जो थे वो हमारे विक्रम सर थे, कमल हसन। एंड यार देखो कमाल की बात है कि यार हमारे जवान मूवी में भी शाहरुख खान उस टीम के लीडर है जिनका नाम विक्रम है, और भाई विक्रम मूवी में कमल हसन ने जो रोल प्ले किया था वो भी उस टीम के लीडर थे और उनका नाम भी विक्रम था। जवान मूवी में देखो इस टीम का नाम है अग्नि। आगे के सीन में हमें देखने को मिलता है कि विक्रम अपनी स्पेशल फोर्स के साथ जिस मिशन पर गया था वहाँ पर उनके वेपन्स काम नहीं करते, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि जो पिछले फौजी आए थे इस मिशन पर उनके साथ भी यही चीज़ हुई थी, उनके भी वेपन्स काम करना बंद कर दिए थे, उनकी गन्स नहीं चली, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर मार दिया गया। और ऐसा ही कुछ सिमिलर केस
हम 2017 से 2020 तक के कई सिनेरियोज में देखते हुए आ रहे हैं, और इसके लिए तुम चाहो तो थोड़ा रिसर्च करके खुद पढ़ना पड़ेगा यार तुम्हें। मैं ज़्यादा देखो डिटेल इसके बारे में बता नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हें थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। वो जो वेपन्स बनाए गए थे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने बनाई गई थी, जिसके पास उस कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट भी किया गया और गवर्नमेंट ने भी इस तरीके से कई चीज़ें झेली, जिसके बाद इस पर अभी तक इतना ज़्यादा कोई सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन 2022 में भी इसके लिए कोई लास्ट अपडेट आई है। थोड़ा तुम यार इसके बारे में देखो खुद रिसर्च करके पढ़ सकते हो, क्योंकि थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा है। आगे मूवी में हमें अपरिचित मूवी का एक और छोटा सा रेफरेंस देखने को मिलता है। काली भाई किसी को पंचिंग बैग में डाल के धे घूंसे बजा रहा होता है, टॉर्चर कर रहा होता है यानी कि, और ये सेम चीज़ हमारे अपरिचित मूवी में हुई थी हमारे अंबी के कैरेक्टर के साथ जब उसको लोगों ने टॉर्चर किया था। उसके आगे काली जब विक्रम के घर पर अटैक करता है तो भाई विक्रम काली के सर पर एक हेड हिट देता है, जिससे कि भाई उसके सर पर एक चोट लगती है। तो अब इस चोट को याद रखना थोड़ा सा। आगे पुलिस ऑफिसर भाई देशद्रोही विक्रम को करार करके ऐश्वर्या के साइन करवाने के लिए बैठा रहता है, तो भाई हम देखते हैं जैसे ही वो पेन देता है तो भाई ऐश्वर्या वही पेन उसकी गर्दन में घुसेड़ देती है। और भाई ये डायरेक्ट रेफरेंस है SS राजामौली सर की मक्खी मूवी का, जिसमें कि हमें कुछ कुछ ऐसा ही सीन करते हुए देखने को मिलते हैं हमारे किच्चा सुदीप। उसके आगे नेक्स्ट सीन में हमारा काली विक्रम को प्लेन से गिराकर मारता है, जो कि भाई बहुत ज़्यादा सिमिलर है द लायन किंग मूवी का, जिसमें कि भाई सकार भी मुफासा को बिल्कुल इसी तरीके से मारता है, और हमारे काली के फेस पर भी एक चोट का निशान है जो कि हमारे विक्रम ने ही दिया है, लेकिन द लायन किंग मूवी में सकार के चेहरे पर ये निशान पहले से था। और कमाल की बात है कि भाई द लायन किंग मूवी जो लाइव एक्शन वाली बनी थी 2019 में, उसमें हिंदी डबिंग मुफासा की जो वॉइस थी वो शाहरुख खान ने दी थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और सिम्बा की वॉइस उन्हीं के बेटे आर्यन खान ने दी थी। नाला? सिम्बा? हाँ, मैं ही तो हूँ सिम्बा। और बेटे को हाथ लगाने वाला डायलॉग का रेफरेंस था यार, तुम लोग समझ ही गए होंगे। आगे आज़ाद के बर्थ वाले सीन पे हमने देखने को मिलता है कि भाई बच्चे को यूं ऊपर उठाया हुआ है पब्लिक को दिखाने के लिए, तो भाई देखो ये सीन भी एज इट इज़ द लायन किंग से उठाया हुआ है। 1994 में पहले ये सीन किया गया था, उसके बाद ये सीन हमारी बाहुबली मूवी में दिखाया गया, और फिर वही सीन हमारे 2019 की द लायन किंग में लाइव एक्शन वाली जो थी उसमें दिखाया गया, और अब हमें जवान में ये सीन देखने को मिल रहा है। आगे हमें देखने को मिलता है कि भाई मेट्रो में जो पुलिस इंस्पेक्टर थे हमारे सांजे, भूटानी आर्मी में रह चुके हैं ऑलरेडी, और भाई वो एक बहुत अच्छा एक्टर है वहाँ का, और मिस्टर भूटान भी रह चुका है, और यही कैरेक्टर भाई इस मूवी के बहुत बड़े प्लॉट्स को रिवील करता है, उसकी भाई पूरी अग्नि आर्मी को भाई ये मेंबर्स को इकट्ठा करता है। आगे ही सीन में जब हमारा एक ये लड़की मर रही होती है तो भाई वहाँ पर हमें एक दिल को दुखा देने वाला भाई रेफरेंस देखने को मिलता है भोपाल गैस ट्रेजेडी के सीन्स में, जो भाई शो करता है कि भाई कैसे बिजनेसमैन और भाई कंपनीज अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भाई कंपनीज को लगाती है, और भाई कभी भी वो वहाँ पर सावधानी नहीं बरसती है, बल्कि किसी को बचाने के लिए कोई प्रिकॉशंस नहीं लेती, और यार किसी को किसी की जान की कोई नहीं पड़ी होती है इस सब में। तो भाई भोपाल गैस ट्रेजेडी उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसको उन्होंने इस मूवी में भी रखा है। आगे के सीन में काली के सामने भाई विक्रम को मुफासा और आज़ाद को एज सिम्बा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि भाई डायरेक्ट रेफरेंस है द लायन किंग मूवी का। और ये चीज़ देखो इसलिए भी क्योंकि भाई इस मूवी का पहले नाम लायन होने वाला था, जो कि भाई हम आज़ाद के विक्रम वाले गेटअप में हम उसके हाथ में एक लायन वाली रिंग देख सकते हैं। वहीं जब देखो आज़ाद वोटिंग मशीन्स को चुरा कर खुद को पब्लिक के सामने एक्सपोज करता है तो भाई वो अपनी आवाज़ को पहले तो भारी रखता है, और फिर धीरे धीरे वो अपनी आवाज़ को नॉर्मल कर लेता है, जो कि एक बहुत माइनर डिटेल थी, पता नहीं किसी ने नोटिस की होगी या नहीं। और देखो सिनेमा का एक रूल होता है कि भाई तुम्हें कभी भी कैमरा की तरफ नहीं देखना, लेकिन भाई जब SRK का मोनोलॉग आता है तो भाई वो डायरेक्ट कैमरे में देखकर इसको बोलते हैं, क्योंकि यही मूवी का भाई मेन मैसेज था जो कि उनको ऑडियंस तक पहुंचाना था। मूवी का एक सोशल कमेंट्री वाला जो मुद्दा है वो भाई सारा का सारा यहीं आकर ख़त्म होता है। और भाई SRK यार देखो इसमें तारीफ के काबिल हैं कि भाई बंदा ना इधर झुका है हल्का सा भी ना उधर झुका है, बिल्कुल न्यूट्रल रह कर उसने भाई सीन में प्ले किया है। और भाई देखो मैं इस सीन को भाई बेस्ट मेटा कमेंट्री सीन कह सकता हूँ, किसी मेमोरी लॉस पेशेंट की भाई मेमोरीज वापस जो है वो भाई किसी ट्रिगर से ही आ सकती है। भाई इस मूवी में जो है ये चीज़ बड़े अच्छे से यूज़ करी है कि भाई विक्रम की याददाश्त को वापस लाने का सेंस भाई वो गन का ट्रिगर ही बनाया था, क्योंकि भाई रियल में भी पॉसिबल होती है, हालांकि देखो इस चीज़ का ज़्यादा सेंस नहीं बनता रियल में, बट ये चीज़ होती है भाई। और याददाश्त आते ही भाई SRK कहते हैं अपना बेस्ट डायलॉग, इसके बाद हमें आगे भाई देखने को मिलता है SRK का शॉटगन वाला सीन, जो कि शायद थोड़ा सा रेफरेंस था पठान मूवी का, एंड भाई मुझे शाहरुख खान और शॉटगन भाई ये दोनों बहुत मस्त लगते हैं। हाँ हालांकि यार मैं ये सीन और देखना चाहता था कि भाई शाहरुख खान शॉटगन के साथ, बट उन्होंने चलो थोड़ा ही दिखाया, कोई बात नहीं।
अब चलो यार इस मूवी के देखो, मैं और भी चीज़ों पर मैं कई सारी चीज़ें बता सकता हूँ, बट मैं इसमें लूप होल भी निकाल सकता हूँ इसके स्टोरी वाइज और इसके प्लॉट पॉइंट वाइज। बट मैंने देखो हमेशा ही बताया कि यार इट्स अ मास मूवी, इसमें कोई लॉजिक मत ढूंढो, उसको साइड रख के भाई बस मूवी को इंजॉय करो, बिकॉज यार इट्स अ बेस्ट मूवी फॉर मास एंड क्लास। तो चलो यार यही थी मेरे पास इस मूवी से रिलेटेड सारी डिटेल। बाकी तुम लोगों को कोई ऐसी चीज़ बताओ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत मेहनत लगी है यार इस वीडियो में। और यार मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यार लोग यार वीडियो देख लेते हैं लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते, कर लो यार। डायरेक्ट बात करने के लिए तुम मुझे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर फॉलो भी कर लेना यार। बाकी तुम लोग इस मूवी से रिलेटेड या फिर तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा ये चीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से, बाय। You're still here. It's over. Go home. Oh.